हाय, गुड मॉर्निंग। मैम, आज थोड़ा चेंजेस हो गया, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब से आपकी जो भी कोई क्लास बात नहीं मैम। तरीके से एप्लीकेशन में लिंक आएगी, ओके? तो ये चीज ध्यान में रखना। यस मैम। विवृति का आएगी कि नहीं आएगी आइडिया नहीं है, लेकिन 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके? आपने वो ओके मैम। WSV स्कूल्स पे ट्राई किया था कुछ भी लिखने का, कोई भी प्रोग्राम हाँ बना? मैम, मैंने ट्राई किया था। मैं अपना एक्चुअली मैं कॉपी तो नहीं कर पाई, लिखा था वो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप हाँ, मैम वो वीडियो में दिखा दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो ना, वही इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैम मैंने बस सिंपल ही किया है, बाद में और अभी तो बस नॉर्मली जो लिखते हैं वही लिखा है बस। अच्छा, तो तुम जैसे ही वो ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें तुम फॉन्ट टैग और वो सब वो यूज करती रहोगे ना, जैसे जैसे यूज हाँ करोगे, तो वैसे वैसे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से सब करना है। ओके, वेरी गुड। मैम। चलो कोई बात नहीं, वृति का है ना, वो वीडियोस देख लेंगे, हम अभी स्टार्ट मैम आपकी है ना वॉइस कट कट के आ रही है। करते हैं, ओके? यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके काव्यांजलि, हम स्टार्ट करते हैं, ओके? आज का सेशन। यस मैम। कल हमने हाइट और विड्थ तक देखा था, राइट? हाइट और विड्थ कैसे हम चेंज कर सकते हैं? यस मैम। आज हम देखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट। अभी ये अलाइन एट्रीब्यूट क्या है, हमने देखा है अलाइन एट्रीब्यूट वो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट कहलाता है जो हर एक जगह पर यूज कर सके, वैसे एट्रीब्यूट हो गया। एम्प्टी। नहीं, हम हर एक जगह पे ये अलाइन एट्रीब्यूट हर एक टैग में यूज कर सकते हैं, इसीलिए इस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट, यूनिवर्सल। राइट? हाँ, अलाइन यस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अलाइन द गिवन इमेज विद इन द पेज और एनी एलिमेंट दैट कंटेन्स द इमेज। तो हम इस तरीके से सिंपल अलाइन करके अलाइन सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या चेंज होगा, जैसे कि हमने देखा है कि अलाइन एट्रीब्यूट है, सॉरी, इमेज टैग है वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि हम जो भी कुछ लिखे वो टेक्स्ट या इमेज की आजू बाजू में लिखेगा, न्यू लाइन में नहीं आएगा, तो वो इसी तरीके की वैल्यू सेट करके देता है। जैसे कि टॉप है, अलाइन की वैल्यू टॉप है, तो वो क्या करके देगा, जैसे कि अगर अलाइन द एट द टॉप ऑफ द करंट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, यानी अगर इमेज और टेक्स्ट है, तो हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या होता था कि जो टेक्स्ट होता है वो नीचे की साइड आता है, राइट? ये जो हमारा है, तो ये है वो नीचे की साइड आया है। मैं अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिख के भी दिखाती हूँ, यहाँ पे जो हमने साइड साइड में लिखा है, इससे अलावा हम कुछ लिख रहे हो, हाय दिस इज जेडी, ठीक है, मैंने ये सिंपल लिखा है, तो मुझे यहाँ पे कैसा आउटपुट देगा, मुझे जो इमेज है वहां पे नीचे दिखाई देगा, राइट? यहाँ पे नीचे, लेकिन ये अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम यहाँ पे लिख दे टॉप, तो मुझे कैसे दिखेगा, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर दिखेगा। यहाँ पे लिखती हूँ अलाइन इक्वल्स टू टॉप, ठीक है, ये अगर मैंने लिखा है तो मुझे टेक्स्ट ऊपर लिख दे दिया है, देखा आपने? मैं अगर फॉन्ट साइज बड़ी कर देती हूँ तो,
ज्यादा विजिबल रहे फॉन्ट साइज 7 ये देखो ये ऊपर आ गया बाय डिफॉल्ट हाई जेरी यहाँ पे नीचे आता था लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पे सेट किया अलाइन इक्वल्स टू टॉप तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इमेज से टॉप में आ गया यहाँ पे अभी दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट है दूसरा है मिडल यानी जो टेक्स्ट जो इमेज होगी टेक्स्ट के मिडल में आएगा यानी जो यहाँ पे है वह यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे मैं कर दूँ मिडल ये देखो सेंटर में आ गया दिस इज जेरी जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे सेंटर में आ जाता है आप सुन पा रहे हो ना यस मैम ओके अभी दूसरा एट्रीब्यूट है कि बॉटम अगर बॉटम है तो बाय डिफॉल्ट बॉटम में ही आता है जो हम लिखते हैं अगर हमने कुछ भी एट्रीब्यूट सेट नहीं किया है अलाइन इक्वल टू करके तो बाय डिफॉल्ट हमें जो आउटपुट है वो मुझे बॉटम में ही दे रहा है ये बॉटम है टेक्स्ट के बॉटम इस तरीके इमेज है तो बॉटम में टेक्स्ट आएगा ये बाय डिफॉल्ट बॉटम में ही आता है अभी दूसरा एक एट्रीब्यूट है लेफ्ट लेफ्ट से क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट है लेफ्ट यहाँ पे अभी यहाँ पे आ रहा है लेकिन अगर दो चीज है यानी उससे क्या होता है अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनिंग विंडो और द एलिमेंट यानी बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड में ही अलाइनमेंट होता है लेकिन अगर हम राइट लिख ले तो राइट साइड हमारा आउटपुट आएगा जो इमेज है वो राइट साइड हो जाएगी राइट देखो ये राइट साइड चला गया जेरी तो इस तरीके के सारे एट्रीब्यूट्स हैं टॉप से क्या होगा इमेज के टॉप साइड में दोनों साइड आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा है इसकी जगह पे अगर मेरे पास फोटो भी होता तो फोटो भी ऐसा होता अगर एक फोटो बड़ा है एक छोटा है तो टॉप से क्या होता है टॉप से दोनों टॉप में आ जाएंगे मिडल से जो छोटा वाला है वो मिडल में दिखेगा बॉटम तो बाय डिफॉल्ट होता है और लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है और राइट से क्या होगा जो टेक्स्ट है उससे राइट साइड आ जाएगा ठीक है ये सारे एट्रीब्यूट उसकी वैल्यूज है एट्रीब्यूट अलाइन की नॉर्मली हम अलाइन में क्या होता है लेफ्ट सेंटर एंड राइट तीन ही एट्रीब्यूट होते हैं सॉरी तीन एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है लेकिन यहाँ पे पांच है इमेज टैग में ठीक है और एग्जांपल एक मुझे तुम्हें दिखाना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था कि हम इमेज दो तरीके से ऐड कर सकते हैं राइट किस दो तरीके से काव्यांजलि क्या मैम हम इमेज कौन सी दो टाइप से ऐड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट यस मैम हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं एक तो है जिसमें हम सिंपली हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर जो इमेज है वो अपलोड करके दिखा सकते हैं या फिर दूसरा है हम इंटरनेट से कोई इमेज हमें पसंद आई तो वो हम दिखा सकते हैं तो वो कैसे होता है उसके लिए हमें क्या करना होगा जो हमारी हमारे पास इमेज है जैसे कि मुझे ये इमेज पसंद आई है तो मुझे इसके दो टाइप है एक तो मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज करूंगी तो मुझे वो इमेज डाउनलोड करके देगा या फिर मैं इसी जो जहाँ पे है
वहीं से उसकी इमेज की लोकेशन, जैसे कि कॉपी इमेज एड्रेस, वो मैं सेव कर लूं और फिर उसका यूज मैं अपने एप्लीकेशन में करूं, जैसे कि मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। ओके यहाँ पे तो टावर है। ओके ये फोटो करके है, फिर मैं टाइटल में लिख रही हूँ फोटो फ्रॉम इंटरनेट स्लैश टाइटल स्लैश हेड। आवाज आ रही है बेटा अभी? स्लैश बॉडी और इसमें इमेज टैग का यूज कर रही हूँ। src इज इक्वल टू जो हमने इमेज का एड्रेस कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सिंपली आपने देखा मैंने क्या किया, इस यहाँ पे जो इमेज हमें पसंद आई है उसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया। आप दो तरीके के कर सकते हो, एक तो सेव इमेजेस, अभी सेव करोगे तो वो इमेज हमारे मैम हाँ बोलो ना बेटा। मैम काव्यांजलि बोलिए। मैम हाँ बोलो। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही, बहुत ही कट कट के आवाज आ रही है। हाँ वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है मैम। हाँ हाँ जस्ट सेकंड, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। पे नेटवर्क का इश्यू रहता है ना, इसीलिए अभी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा कट रहा है, पहले से कम है, बेटर है। ओके तो ऐसा है ना, तो आप अभी ऐसा करिएगा कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसमें शायद फ्लुएंटली थ्रू आउट आएगा, उसमें कट कट के नहीं दिखाई देगा, तो आप वहां पे भी थोड़ा रेफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है तो वहां पे देख लीजिएगा। ओके Yes, ma'am. तो मैंने आपको ऐसा बोला कि हम दो तरीके से इमेज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कर सकते हैं, यानी वो इमेज हमारे लोकल कंप्यूटर पे आ जाएगी जैसे यहाँ पे हम सेव करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, यानी हम हमारे लोकल पीसी में डाउनलोड नहीं करते लेकिन जहाँ पे सर्वर पे है वहीं से उस इमेज का यूज कर रहे हैं। तो मैंने किया था कॉपी इमेज एड्रेस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली वो इमेज की एड्रेस कॉपी कर ली है। यहाँ पे मैंने वहां पे जो कॉपी की थी यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी, तो ये इमेज वो है और मैंने ये सेव किया और अभी वो मैं रन कर रही हूँ टेस्ट करके, जो थी मेरी फाइल का नाम। तो ये देखो फोटो फ्रॉम इंटरनेट, जो हमने हमारे लोकल पीसी में ये फोटो नहीं है अवेलेबल लेकिन इंटरनेट पे ही है, तो वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थी। तो हम दो तरीके से इमेज डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं, एक तो हमारे लोकली जो हम एक फोल्डर बनाने की प्रैक्टिस रखने वाले हैं उसके अंदर जितनी भी फोटोज है वो सब दिखाने के दिखा सकते हैं, या फिर हमें कोई पर्टिकुलर इमेज है कि ये पसंद आने पर हम उसका राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और हमारे एप्लीकेशन में वो पेस्ट कर देंगे। इमेज src इज इक्वल टू और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और पेस्ट, तो हमारी जो इमेज है वो पूरी कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगी, यानी वो इमेज भले हमारे लोकल पीसी पे नहीं है सर्वर पे है तो भी हमें दिखाई देगी। लेकिन हमें चीज क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके ये देखो दूसरी इमेज आ गई राइट, तो ये हमारे लोकल ड्राइव पे नहीं है लेकिन सर्वर पे, लेकिन इस तरीके से भी हम वो यूज कर सकते हैं।
और अभी हम देख रहे थे अलाइन एट्रीब्यूट देख लिया राइट हमने, तो आगे हम देखेंगे अभी बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करके देगा, अगर हम कोई इमेज डाल रहे तो उसके ऊपर हमें बॉर्डर करके देगा। इमेज ऑन द वेब पेज कैन बी हाइलाइटेड विथ अ बॉर्डर, बाय डिफॉल्ट इमेजेस डू नॉट हैव बॉर्डर्स। बॉर्डर एट्रीब्यूट इज क्रिएटेड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर इन द पिक्सल, यानी अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट करके यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे डिजिट में वो हमें बॉर्डर की पिक्सल कितनी चौड़ाई रखनी है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो हमें देगा। सम ब्राउजर्स हाईलाइट इमेज व्हेन लिंक इज गिवन टू द इमेज, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इमेज हम एज अ हाइपर लिंक भी यूज कर सकते हैं, तो कई कई ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो अगर हम उस इमेज को एज अ लिंक यूज करें तो वो हमें बाय डिफॉल्ट बॉर्डर करके देगा, यानी वो उस तरीके से पता चलता है कि ये इमेज वो लिंक है। इट इज हाइलाइटेड विद अ बॉर्डर, ठीक है। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि हमने ये अभी इमेज डाउनलोड की है, ये इमेज हमने यूज की है, तो अभी मैं दूसरी एक इमेज यूज करती हूँ यहाँ पे इसके साथ, डोरा वाले या फिर कोई और इमेज, कंप्यूटर की इमेज, चलो लेट से यूज करते हैं ये कंप्यूटर की इमेज, ठीक है। तो इसकी पहले तो व्यू करके डिटेल्स देख लेनी है कि हमारी इमेज है कौन सी, कंप्यूटर लिनोवो और जेपीजी फाइल है, ठीक है। तो अगर हमारे अगर आपको डाउट हो कि शायद मैं इसका नाम गलत लिख लूंगी तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली पहले उसकी जो इमेज उसकी जो फाइल नेम है वो कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और हमारा कौन से फोल्डर में है, इमेजेस स्लैश और फिर हमारा जो फाइल नेम है विद एक्सटेंशन जेपीजी, तो इससे हमारे लोड हो जाएगी हमारी इमेज ब्राउजर में, ठीक है। ये दो इमेज आ गए, ये बड़ी इमेज है इसीलिए वो मुझे नीचे देगा, लेकिन अदरवाइज जो अगर मैं बड़ा रखूँ तो बाजू बाजू में दिखाई देगा, तो इमेज उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए काव्यांजलि, अगर मुझे जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, बीजी कलर, ओके याद आया, बीजी कलर इक्वल्स टू लेट से मैं कर रही हूं ब्लू, आप हो ना काव्यांजलि, काव्यांजलि सुनाई दे रहा है आपको, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया ब्लू कलर से। अभी हमें क्या करना है कि ये जो इमेज है हमारी ये, तो उसका कलर चेंज कर देना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर बॉर्डर इक्वल्स टू यहाँ पे हमें साइज डिस्क्राइब करना है इन पिक्सल, लेट से मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो मुझे ये जो इमेज है उसके चारों तरफ हमें ब्लैक कलर की देखो बॉर्डर आ गई, तो इस तरीके से सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चला काव्यांजलि यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट से हमने कैसे सेट किया, आपको आवाज आ रही है काव्यांजलि,
मैम आवाज आ रही है एक्चुअली, पता नहीं मेरा जूम बार बार मैं हट रही हूँ और वापस कनेक्ट हो रहा, वापस ज्वाइन हो रही, वापस रिमूव हो रही, पता नहीं क्यों आज ऐसा क्यों हो रहा है। आपका भी नेटवर्क इश्यू है शायद, ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया और यहाँ पे बॉर्डर सेट की, लेट से बॉडी दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे टैग। एक बार आप बॉर्डर का साइज बढ़ाओ तो ये रहा, देखो दिखा आपको, कंप्यूटर की इमेज है। मैं इसके पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ, मुझे लगा कि बैकग्राउंड कलर से आपको दिखेगा लेकिन यहाँ पे उल्टा दिख नहीं रहा। तो ये देखो, दिखिए आपको Yes, ma'am. कंप्यूटर की बैकग्राउंड, कंप्यूटर की बॉर्डर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 5 लिख रही हूँ तो उसकी चौड़ाई कम होगी। ओके, तो ये हो गई हमारी बॉर्डर्स, बॉर्डर एट्रीब्यूट। आगे है एक आईडी एट्रीब्यूट है। आईडी एट्रीब्यूट से क्या होगा, वी कैन स्पेसिफाई एन आइडेंटिफायर फॉर द इमेज। यानी अगर हम आईडी एट्रीब्यूट सेट करते हैं तो उससे क्या होगा, उस इमेज की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी बन जाएगी और वो आइडेंटिटी से क्या होगा, उस आइडेंटिटी से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेटर द इमेज कैन बी रिफर्ड बाय द आइडेंटिफायर इन अ स्क्रिप्ट रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा। जैसे कि अगर उस इमेज पे हमें कुछ करना है, स्क्रिप्टिंग करनी, यानी अगर यूजर ये चीज करे तो ये चीज होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें इमेज का एक आईडी जनरेट करना होगा। हम जनरली हम यहाँ पे जो यूज करते हैं इसमें हम नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी उसके ऊपर स्क्रिप्ट जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तब ये सब चीजें काम आती है, ठीक है। तो ये एक आईडी एट्रीब्यूट है। जैसे हम नॉर्मली जो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं प्रैक्टिकल, वहां पे आईडी करके लिख लेना है। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है तो क्या लिखेंगे, आईडी इक्वल्स टू, और हमें इस तरीके का आईडी लिखना होगा, यूनिक आईडी होना चाहिए। यानी अगर हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे आईडी लिनोवो पीसी तो सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए, लिनोवो पीसी करके सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे हम अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखे, अगर हम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करें इसके अंदर, तो हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक इमेज है, ठीक है। इसके अंदर हमें इस इमेज के ऊपर कुछ भी कुछ करना है कि ये इमेज छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या फिर ये इमेज लोड होनी चाहिए जब यूजर पर्टिकुलर कुछ टास्क परफॉर्म करे, तो उस वो सब चीज स्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती है और उसके लिए हमें ये आईडी कंपलसरी होगा, ठीक है। आज का सेशन हम सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं, ओके। कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे आगे से। ओके मैम, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय मैम।